तो आदिल के पिताजी हैं वो बाहर मजदूरी करते हैं और जो वहाँ पर जो शेख वगैरह होते हैं वहाँ के लोग जो घोड़ों का उनको बहुत शौक है, तो घोड़ों में जो नालबंदी का जो काम होता है वो इनके पिताजी करते हैं। तो मजदूरी करके इनके पिताजी ने आज मेरा 12th में टाइम 70% आए थे। 70% आए थे। उसके बाद में आपने 12th के बाद में क्या प्लान किया, कोर्स कौन सा कोर्स आगे करने के लिए, आईएलटीएस करने का आपका इरादा कैसे बना, किसको देख के आप मोटिवेट हुए, किसने आपको इसके बारे में बताया, वो डिटेल बताइए। आईएलटीएस करने का इरादा मुझे मेरे दोस्तों ने इंस्पायर किया। आपके गाँव से भी अब तक कोई बंदा कनाडा गया है क्या? नहीं, चुड़ीम्यान का मैं पहला बंदा हूँ। चुड़ीम्यान से आप पहले बंदे हो जो कनाडा जाओगे। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज मैं अभी आया हूं चुड़ीम्यान गांव में और चुड़ीम्यान गांव से आदिल भाई हैं मेरे साथ जो कि आज कनाडा जाने वाले हैं। अभी शाम की इनकी फ़्लाइट है। तो ये कनाडा जाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया, कौन सी एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर की, इसके अलावा जो क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है कनाडा जाने के लिए, कितना खर्चा आता है, कितना समय लगता है, पूरी डिटेल हम आज आदिल भाई से जानेंगे। तो आप भी वीडियो में बने रहिए। अगर आप भी कनाडा जाने के शौकीन हैं या आपका जो बच्चा है या आपके परिवार से किसी को भेजना चाहते हैं, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरी डिटेल मिल जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको मेरी आगे की जो वीडियो है वो आपके पास आती रहे। तो सबसे पहले तो आदिल, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साहब। तो आदिल भाई, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा पूरा नाम आदिल खान है जी। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद निसार खान है। अच्छा। और मेरे दादाजी का नाम याकूब खान है, याकूब खान चौथालिया के नाम से उनको जाना जाता है। तो दोस्तों, आदिल भाई ने हमें अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो सबसे पहले तो आदिल भाई, आपके जो पिताजी हैं वो क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी दुबई में हैं जो कि एक फेरियर हैं, जो कि उनका हम बोलते हैं कि वो नाड़बंदी का काम होता है। अच्छा, नाड़बंदी के काम करते हैं आपके पिताजी, यानी एक मजदूरी कर रहे हैं बाहर मजदूरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आदिल के पिताजी हैं वो बाहर मजदूरी करते हैं और जो वहाँ पर जो शेख वगैरह होते हैं वहाँ के लोग जो घोड़ों का उनको बहुत शौक है, तो घोड़ों में जो नालबंदी का जो काम होता है वो इनके पिताजी करते हैं। तो मजदूरी करके इनके पिताजी ने आज इतनी मेहनत करके और अपना मेहनत का पैसा और आदिल पर खर्च करके आज ये कनाडा भेज रहे हैं। सबसे पहले तो आदिल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद क्योंकि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। कनाडा जाओगे तो वहाँ पर जाके और आपको देख के काफ़ी लोग हमारे एरिया के हैं वो मोटिवेट भी होंगे और आपकी वजह से हो सकता है वो भी जाने का प्लान बना ले। तो आज हम उन्हीं के लिए ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या थी, तो शुरू से बताइए आप कि 10वीं तक आप कहाँ पढ़े और उसके बाद में आगे स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए। देखिए, मैंने अपनी स्टार्टिंग की जो स्टडी है, तो मैंने स्टार्टिंग में मेरे गांव में स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास से लेकर थर्ड क्लास तक, उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का इरादा बनाया। अच्छा। जो रून लोद में सेकावटी पब्लिक स्कूल है, SPS के नाम से जानते हैं, उसमें मैंने एडमिशन लिया। तो फिर फोर्थ क्लास से लेकर 11th क्लास तक मैं वहाँ पे पढ़ा। फिर 12th क्लास मैंने प्रिंस स्कूल से की। 12th क्लास आपने प्रिंस से की। 12th में आपके सब्जेक्ट क्या थे? मेरा 12th में कॉमर्स था। कॉमर्स सब्जेक्ट था। अच्छा। तो फिर 12th आपने कॉमर्स से पास की, कितने परसेंट आए आपके? मेरा 12th में उस टाइम 70% आए थे। 70% आए थे। उसके बाद में आपने 12th के बाद में क्या प्लान किया, कोर्स कौन सा कोर्स आगे करने के लिए आपने? 12th के बाद मैंने पहले तो सिविल लाइन्स में जाने का इरादा बनाया। अच्छा। उसके बाद जो लॉकडाउन लगा हुआ था तो मैंने साथ में ग्रेजुएशन की, तो लॉकडाउन की वजह से मेरा जो इरादा था वो तहस-नहस हो गया था। अच्छा, वो कैंसिल हो गया। तो मेरी स्टार्टिंग से इंग्लिश बहुत मजबूत थी। अच्छा अच्छा। तो फिर मेरे पिताजी ने कहा कि तुम विदेश जाके पढ़ सकते हो, कि यहाँ पे तुम्हें अपना चांस नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो, यहाँ पे चांस नहीं है तो मैं विदेश चला जाता हूँ। तो फिर मैंने एक आईएलटीएस का एग्जाम होता है, IELTS बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है। अच्छा अच्छा। जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेसिक टेस्ट होता है, उसमें बेसिक क्या, उसको एडवांस लेवल बोल सकते हैं हम। तो आदिल भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि IELTS करने का आपका इरादा कैसे बना, किसको देख के आप मोटिवेट हुए, किसने आपको इसके बारे में बताया, वो डिटेल बताइए आप। IELTS करने का इरादा मुझे मेरे दोस्तों ने इंस्पायर किया, उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ, जो कि मेरे साथ 12th तक पढ़ते थे। फिर मैंने तो ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, वो 12th के बाद IELTS के एग्जाम देकर बाहर चले गए। अच्छा अच्छा, वो बाहर चले गए। कितने दोस्त हैं आपके लगभग बाहर चले गए अब तक? जो कि मेरे से पहले गए थे वो 3 थे, और मेरे एग्जाम क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े दिन ज्यादा स्टे रुक गया। उसके बाद में 2 या 3 दोस्त मेरे साथ जाने वाले। आपके गांव से भी अब तक कोई बंदा कनाडा गया है क्या? नहीं, चुड़ीम्यान का मैं पहला बंदा हूँ। चुड़ीम्यान से आप पहले बंदे हो जो कनाडा जाओगे। कनाडा जाऊंगा। तो आदिल भाई, आप ये बताइए, जो IELTS कोर्स करने के लिए कितना जो समय अवधि कितनी चाहिए, इसके अलावा उसको एग्जाम को आपने कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया, और इसके अलावा इसकी फीस कितनी लगती है, और कौन से सेंटर से आपने की? मैंने IELTS का कोर्स जयपुर से किया था। अच्छा।
वहाँ पे 2 महीने की आप कोचिंग ले सकते हो। मैंने वहाँ पे 2 महीने की कोचिंग ली जी। फिर मैंने एक एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 6 बैंड थे, लेकिन मैं ग्रेजुएशन होने की वजह से 6.5 तो मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट और दिया, फिर मैंने महीने भर और एग्ज़ाम की तैयारी की, फिर मैंने एक अटेम्प्ट और दिया, फिर मेरे 6.5 बैंड। मतलब आपने टोटल कितने 3 अटेम्प्ट्स में क्लियर किए? 3 अटेम्प्ट किए। 6.5 बैंड चाहिए क्या इसमें क्लियर करने के लिए? जो 12th बेस होता है उसको 6 बैंड ही चाहिए, 6 ईच चाहिए था, लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है वो हटा दी गई है, 6 ईच होने की जरूरत नहीं है, अभी 6 ला सकते हैं हम। अभी जो बैंड 6 आते ही और मतलब कनाडा एक्सेप्ट कर रहा है, पहले 6 ईच था 12th के लिए। अच्छा, तो आपने जो कोचिंग सेंटर का नाम बताइए आप? मैंने वैशाली नगर में एक कोचिंग सेंटर है, एलीट इंग्लिश अकेडमी। वहाँ के राहुल फीस वगैरह क्या रहती है? वहाँ पे राहुल रोडा जो इंचार्ज हैं और उनकी फीस रहती है 9,500 रुपये। 1 महीने की या 2 महीने की? 3 महीने के लिए। 3 महीने की 9,500 रुपये में वो पूरा कोर्स कंप्लीट? मैंने 2 महीने की, फिर मैंने एग्जाम दी, फिर मेरा जो 1 महीना से साथ मैंने फिर एक एग्जाम और। तो उस सेंटर से और भी बच्चों ने मतलब एग्जाम दी होगी, तो वो भी लगभग क्लियर हुए हैं क्या आपके साथ? तो मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दी थी, तो उस टाइम वहाँ पे मेरे साथ 8 या 9 बच्चों ने दी थी, तो उसमें से किसी एक का भी नहीं हुआ था। एग्ज़ाम कहाँ लगती है? वो किसी भी होटल में लग सकती है, जयपुर में 4-5 सेंटर हैं, जैसे रेडिसन होटल हुआ, होटल में सेंटर आता है उसका, होटल में आता तो है। ये एग्ज़ाम लेते हैं कौन है वैसे इनका जो मैं? ये एग्ज़ाम करवाता है आईडीपी इनका बोर्ड है, वो कंडक्ट करवाता है। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलियन करवाते हैं? ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है ये आईडीपी। अच्छा, आईडीपी एक ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है जो ये आइल्स का एग्ज़ाम करवाते हैं। तो इसके अंदर एग्ज़ाम देने के लिए भी कोई फीस वगैरह होती है, फॉर्म फीस वगैरह? हाँ, एक फॉर्म की फीस होती है, पहले 15,500 थे, अभी बढ़ा के 16,200 कर दिए गए। अभी 16,200 रुपये अभी हाल में लग रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। हाँ, मैंने तो लगभग अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला हो तो 9,300 रुपये तो उसकी जो फीस हो गई, और इसके अलावा 15,000 या 16,000 रुपये ये हो गई, तो लगभग 25-30,000 रुपये में आइल्स की एग्ज़ाम वो क्लियर कर सकता है अगर करना चाहे तो। पढ़ने वाला बच्चा हो तो 3 अगर, हाँ वो तो उसकी पढ़ने पर बात है, एक बार में एक अटैम्प्ट में वो क्लियर करे या फिर कितने अटैम्प्ट में क्लियर करता। अच्छा, अगर एक अटैम्प्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं किया, अगले अटैम्प्ट में पास करे तो फीस दोबारा उतनी लगेगी? हाँ, फीस पूरी उतने की उतनी लगेगी। पहले हर बार फीस लगेगी। पहले तो चार मॉडल होते हैं इसमें, चारों मॉडल देने पड़ते थे, लेकिन अभी इसमें हो चुका कि जो एक अटेम्प्ट में हम रह गए हैं वो भी दे सकते हैं। अच्छा, तो इसकी जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन लगती है ऑफलाइन लगती है? इसकी कंप्यूटर बेस और पेपर बेस दोनों लगती है। अच्छा, तो मैंने पेपर बेस चूज। एक ही एग्ज़ाम लगती है या फिर ज़्यादा लगती है? इसमें 3-4 मॉडल होते हैं। हाँ, एक तो राइटिंग होता है, रीडिंग होता है, लिसनिंग होता है और स्पीकिंग होता है। अच्छा, 4 एग्जाम अलग अलग? तो 3 मॉडल तो एक साथ लगते हैं, उसका 2 घंटे 40 मिनट तो टाइम रहता है, और एक स्पीकिंग का अलग टाइम टेबल आता है। स्पीकिंग का अलग टाइम टेबल रहता है, उसी के 5 दिन पहले भी आ सकता है, 5 दिन बाद भी आ सकता है, 2 दिन पहले भी आ सकता है। बिल्कुल। तो आदिल, आपने जैसे ही आपने पास कौन से मंथ में किया था? मैंने लास्ट ईयर जुलाई में किया था। तो आपने जैसे ही एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद में जो वीज़ा के लिए और कनाडा की वीज़ा के लिए जो क्या प्रोसेस रहती है, सबसे पहले आपने क्या किया? एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है, रिजल्ट आने के बाद में उसकी मार्कशीट वगैरह है वो कैसे आई आपके पास, कहाँ आई या ऑनलाइन दिखाता है, क्या सिस्टम रहता है? मैंने जुलाई में एग्ज़ाम दिया, उसके 13 दिन बाद मेरा ऑनलाइन रिजल्ट आया, तो उसका ऑनलाइन ही उसका रिजल्ट आ जाता है। ऑनलाइन रिजल्ट वो PDF होता है। हाँ, उस PDF को हमारा हर जगह से हम यूज़ ले सकते हैं, उस PDF को हम कहीं भी यूज में ले सकते हैं, कहीं भी यूज। वही अपनी जो मेन मार्कशीट है, मार्कशीट वो PDF ही है जी। उसके बाद में आपने अप्लाई कैसे किया वीज़ा के लिए? फिर ऑनलाइन इसका अप्लाई होता है। अच्छा, मैंने इंग्लिश अकेडमी से ही अप्लाई किया था। अच्छा, जो कॉलेज के लिए हम ऑफर के लेटर के लिए अप्लाई करते हैं, तो मैंने मास्टर कोर्स के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे PG डिप्लोमा होता है कनाडा में, तो मैंने उसके अप्लाई किया, फिर उसके 25 दिन बाद मेरा ऑफर लेटर आया था। 25 दिन बाद में आपका ऑफर लेटर आया? अप्लाई ऑनलाइन किया क्या आपने? हाँ ऑनलाइन किया था। आपने अप्लाई ऑनलाइन किया, उसके बाद में उसका जो ऑफर लेटर है वो 25 दिन बाद में आपके पास आ गया। तो ऑफर लेटर के बाद में आगे की क्या प्रोसेस रही? ऑफर लेटर आते हैं, मैं पहले इनिशियल फीस होती है तो $5,000 होती है, और मैं 5 या 7 दिन में पे करनी होती है। अच्छा, वो किसे पे करनी होती है? वो कॉलेज को डायरेक्ट पे करनी होती है। अच्छा, उस कॉलेज को डायरेक्ट पे करनी होती है $5,000। $5,000 के लगभग इंडियन रुपीज कितने हो जाते हैं? 3,14,15,000 रुपये हो जाते हैं। हाँ, 3,25,000 रुपये के करीब मतलब इंडिया के हो जाते हैं। तो वो 3,25,000 रुपये जैसे पे करने के बाद में फिर आगे की प्रोसेस ये होती है कि वहाँ से 3 या 4 दिन बाद में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है। अच्छा, उसको हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम मेडिकल पे पहले बुक करवा सकते हैं, और GIC होती है, GIC एक अकाउंट होता है हमारा, वहाँ पे किसी भी बैंक से करवा सकते हैं, इंटरनेशनल अकाउंट होता है। GIC इंटरनेशनल अकाउंट होता है जो कोई भी बैंक से किसी भी? आपने कौन से बैंक से करवाया? मेरा स्कोशिया बैंक से मैंने ओपन करवाया था। स्कोशिया बैंक तो हमारे इधर तो सुना ही नहीं नाम ही, वहाँ पे कनाडा में। अच्छा, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई किया, फिर मैंने बैंक से उसमें इंडियन करेंसी के हिसाब से 6,40,000 रुपये डलवाए,
जो कि कनाडा के 10,200 कनेडियन डॉलर हुए थे। कनाडा के 10,200 कनेडियन डॉलर वो कंपलसरी है, वो कंपलसरी है, वो आपके अकाउंट में होने चाहिए, वो हमारे अकाउंट में। इंडिया के 6,40,000 की 6,40,000 रुपये। तो अब तक आपने 6,40,000 रुपये बैंक में डलवा दिए, इसके अलावा आपने वो फीस है 3,25,000 रुपये आपने जो फीस है वो शुरू में पे कर दी, जमा करवा दिया, तो लगभग आपने अब तक 10,00,000 रुपये के आसपास यहाँ पर खर्चा कर दिया। 10,00,000 का नहीं किया था, उसके बाद जो मेरी फीस और भी बाकी रही थी। हाँ, वो कॉलेज की पूरी फीस है मेरी 11.5 लाख रुपये की समथिंग है। अच्छा। हाँ, वो मैंने एक साथ नहीं की, मैंने 3 किस्तों में की थी। 3 किस्तों में आपने, अच्छा, वो फीस पहले ही पे करनी पड़ती है। 5,000 रुपये वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए पे करनी होती है। अच्छा, उसके बाद में जो आपने कैसे कैसे स्टेप बाई स्टेप कैसे किया? मैंने स्टेप बाई स्टेप पहले 5,000 करवाई। हाँ। फिर मैंने टोटल 17,000 रुपये थी। हाँ। फिर मैंने 10,000 और करवाई, 15,000 हो गए, 15,000 डॉलर हो गए। हाँ, फिर मेरे 2,300 डॉलर बचे, फिर वो मैंने बाद में पे करवा दिए। नहीं तो वो आपने जमा करवा दिए और वहाँ पर पैसे जमा करवा दिए, तो इतना बड़ा रिस्क है कि पैसे जमा करवा दिए और आपकी वीज़ा नहीं लगे, तो वीज़ा नहीं लगने पर हमारा वो रिफंड हो जाता है। रिफंड हो जाता है। तो कोई बंदा ऐसा होता है कि बीच में जो मतलब ये गारंटी ले सके, या फिर अपने अपनी खुद की रिस्क पर ही हम ये काम करते हैं? ये हम अपनी खुद की रिस्क पे करते हैं। अच्छा, देखिए मेरे फ्रेंड वहाँ पे थे, उन्होंने वो उसी कॉलेज से पढ़ के पास आउट हुए, उन्होंने जैसे जैसे आपको गाइड किया आप उसी हिसाब से आपने, उन्होंने मुझे गाइड किया कि यहाँ पे फीस पे करवा सकते हो, इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसमें कोई एजेंट वगैरह तो नहीं होते हैं इधर, वो बोलते हैं कि भाई मैं करवा दूंगा आपका काम, मुझे ऐसे पैसे दो, ये दो, ऐसे मामला तो नहीं है? इसमें कंसल्टेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को संभालते हैं, वो बताते हैं ये डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत है। अच्छा। तो आपको ये काम करना होगा। अच्छा। काम हमें खुद करने होते हैं, जो ज़्यादा हार्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो खुद कर देते हैं। जैसे मेरा स्कोच अकाउंट का, मुझे मैंने बोला कि मुझे अकाउंट नहीं खोलना था, मेरे एजेंट ने खोल के दे दिया मुझे। अच्छा अच्छा, एजेंट ने आपको अकाउंट ओपन कर दिया। वो अकाउंट खोलने के बाद वो सब मैंने पैसे डलवाए थे, उसके 7 या 8 दिन बाद में वहाँ से एक लेटर आता है, उसी अकाउंट में आता है, जो कि एम्बेसी में वीज़ा के टाइम ज़रूरत होता है, वीज़ा अप्लाई करते हैं उस टाइम उस डॉक्यूमेंट को साथ लगाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपकी फिर वीज़ा कब आई? मेरी वीज़ा आई थी अप्रैल में आपकी वीज़ा आ गई। वीज़ा आने के बाद में, वीज़ा आने तक आपके यहाँ तक कितने पैसे खर्च हो गए? जो अकाउंट में डाले आपने वो तो आपके सेफ पड़े हैं, इसके अलावा आपके कितने खर्चा हो गया? मेरा 11.5 लाख रुपये फीस थी और 50,000 रुपये मेरे डॉक्यूमेंट्स के लग गए, जैसे 7,000 मेडिकल का हो गया। ठीक है ठीक है। 50,000 रुपये ये हो गए, 12 लाख वो हो गए, 12 लाख रुपये लग गए आपके। 6.5 लाख रुपये, 6.5 लाख आपने अकाउंट में डलवा दिए, लगभग 18.5 लाख रुपये आपने यहाँ तक इन्वेस्ट कर दिए। और अभी मेरा 1 लाख मेरा टिकट हो जाएगा, 1 लाख रुपये में आपका टिकट हो गया है। अभी आज आप कितने बजे की आपकी फ्लाइट है? कल सुबह की मेरी 9 बजे की है, तो मैं रात को घर से निकलूंगा। आज रात को यहाँ से निकलेंगे। जयपुर से आप सीधे, आपका जो स्टॉपेज है वो रहेगा क्या? जयपुर से मैं दुबई जाऊँगा। हाँ। मेरे भाई और पापा रहते हैं, मैं 3 दिन दुबई उनके पास रहोगे। हाँ, उसके बाद में वहाँ से मैं डायरेक्ट कनाडा चला। अच्छा, तो अगर आप डायरेक्ट टिकट करते तो कुछ सस्ती होती है, या फिर आप दुबई से कर रहे हो तो उसमें कुछ फायदा है? नहीं, डायरेक्ट अभी जो भाव चल रहा है अभी का है तो 1.5 लाख से भी ऊपर का है। अच्छा अच्छा। मैंने दुबई से किया, दुबई से मेरी आगे की है फ्लाइट का खर्चा हुआ था 72,000 रुपये। अच्छा अच्छा। फिर मैंने 7,800 रुपये में मैंने विजिट लिया 1 महीने का, और उसके अलावा मेरा 17,500 का दुबई का टिकट आया था। अच्छा अच्छा, समथिंग 1 लाख रुपये हो गए। तो लगभग कुल मिलाई बात यह है कि आपने जब से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चालू की तब से लेके अब तक लगभग 20 लाख रुपए, जिनमें से 6.5 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में पड़े हैं, 20 लाख रुपए आपको टोटल व्यवस्था करनी पड़ी पैसे की। हाँ, 20 लाख रुपए मुझे व्यवस्था करनी पड़ी। हाँ, तो मेन बात यही है, 19 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि भी अपना जो मेन पॉइंट यही है कि इसमें जाने के लिए शुरू से लेके जितनी भी प्रोसेस होती है उसमें कितना खर्चा आता है, तो लगभग 20 लाख रुपये की अपने को व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आदिल भाई, आपने जो 6.5 लाख रुपए वहाँ पर जो जमा कराए, तो वो वहाँ पर आप आगे जाके वहाँ पर जो खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट उसी में रखने पड़ेंगे या खर्च वगैरह कर सकते हैं? नहीं, वो वहाँ पे जाते मुझे 2,000 डॉलर तो तुरंत मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो 1 महीने बाद मुझे हर महीने के महीने 630 डॉलर मिल सकते हैं। अच्छा अच्छा। वो वहाँ पे मुझे बताने के बाद अकाउंट एक्टिवेट करवाना है, उसके बाद तुरंत 2,000 डॉलर निकाल सकता हूँ। तो आपने जैसे पैसे अकाउंट में जब डलवाए, तो कहाँ पर कौन से अकाउंट में पैसे डलवाए, क्योंकि वो बैंक तो यहाँ पर है नहीं, तो किस हिसाब से? अपने जो एक्सिस बैंक होती है उससे मैंने डायरेक्ट डलवा दिए थे। कौन से एक्सिस बैंक? अपने आसपास में कहाँ? मुकनगढ़ ब्रांच में मैंने वहाँ से डलवाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी जो शुभकामनाएं वो आपके साथ है कि भी आप आगे जाके और बहुत मेहनत करें और बहुत अच्छे से वहाँ पर पढ़ें, और यहाँ का जो एरिया है अपना, इस एरिया में आपको देख के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचे। तो ये एक अलग ही, स्पेशली तो मैं बताना चाहूँगा कि चूड़ी मियान गांव से ये पहला बच्चा है जो आइल्स इसने क्लियर किया है। आइल्स को इसमें काफ़ी लोग आईलेट्स भी बोलते हैं, आइल्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो पूरी डिटेल है मैंने आपको लगभग बता दी है। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ बाकी रह गई है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऑल द बेस्ट आदिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे घर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी भाई जो आगे जाना चाहेंगे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पर जो अपने बच्चे हैं उनसे बिल्कुल उनको पूरा गाइड करना है, ताकि अल्लाह हमारी जो अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि उनका पूरा साथ दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सब्बा खैर।